你能做到很多我们普通人做不到的事情。你接近我的目的到底是为了什么？糟了！这是 BTV और चाइनीज ड्रामा की मोस्ट पॉपुलर सीरीज माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2 जो कि हाल ही में रिलीज हो चुका है, जिसके तकरीबन 20 एपिसोड आपको BTV पर देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको इंग्लिश में डब्ड मिलेंगे। मैं दोस्तों मैं आप बात करने वाला हूँ सीज़न 2 के बाद सीज़न 3 क्या आपको देखने को मिलने वाले नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों चाइनीज़ मेकर्स ने ही कंफर्म कर दिया था कि सीज़न 3 आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। मैं दोस्तों सीज़न 3 की जो स्क्रिप्ट का काम तब शुरू करेंगे जब सीज़न 2 पर मेकर्स को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। दोस्तों मेकर्स की तरफ से कन्फर्मेशन आ चुकी है कि आपको सीज़न 2 के बाद सीज़न 3 भी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मनीष चंद बात करने वाला हूँ चाइनीज ड्रामा की पॉपुलर सीरीज माय गर्लफ्रेंड इज एलियन सीजन 3 के बारे में और नजर डालने से तक की सारी अपडेट्स पर डिस्कस करने वाला हूँ उसकी स्टोरी कास्ट रिलीज डेट ट्रेलर के बारे में। मैं दोस्तों आपको सीजन 1 और सीजन 2 कैसा लगा था कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं दोस्तों आपने सीजन 2 के कितने एपिसोड अभी तक देख लिए हैं और कितने बाकी है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों VTV की पॉपुलर सीरीज माय गर्लफ्रेंड इज एलियन सीजन 2 के तकरीबन 30 एपिसोड रिलीज होंगे सीजन 2 में, जिसमें से 20 एपिसोड हो चुके हैं, 10 एपिसोड बाकी है। और वहीं दोस्तों जो 30 एपिसोड है मतलब जो टोटल एपिसोड है वो आपको 16 अक्टूबर तक देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो सीज़न 2 है वो हिंदी में कब देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों मेकर्स ने अनाउंस किया था कि सीज़न 2 जो आपको हिंदी में नेक्स्ट ईयर MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगा। तो हाल ही में चाइनीज मेकर्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आपको सीज़न 2 के बाद सीज़न 3 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वो लोग एडवेंचर और मिस्ट्री से भरपूर सीज़न 3 होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं सीज़न 3 की स्टारकास्ट के बारे में। तो सीज़न 3 में भी आपको मोस्टली स्टारकास्ट सेम देखने को मिलने वाली, जहाँ पर आपको BA थस्पा, वंग पिंग, अलीना जेंग, वंग यू जून एक लीड रोल में नजर आने वाले हैं। तो सीजन 3 को भी आपको गोवा कोंका डायरेक्ट करते नजर आने वाले हैं। तो आप इन चारों में से किसके बिग फैन हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 3 की स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी का कंसेप्ट बिल्कुल सेम होने वाला है, जहां पर ये दोनों अपने आगे की लाइफ जर्नी को सेलिब्रेट करते नजर आएंगे और किस तरीके से उनके आगे की लाइफ में डिफिकल्टीज फेस करने को मिलने वाली है, यही मेन कंसेप्ट और प्लॉट होगा पूरे सीजन 3 का। तो दोस्तों सीजन 3 में आपको काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर देखने को मिलने वाला है, इमोशन के साथ साथ ज़्यादा आपको रोमांटिक एंगल भी सीजन 3 में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के सीजन 3 भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो सीजन 3 के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं माय गर्लफ्रेंड इज एलियन सीजन 3 की रिलीज डेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको सीजन 1 जो कि 2019 में रिलीज हुआ था, उसके बाद सीजन 2 जो आपको 2022 में देखने को मिला है, करीबन ढाई साल बाद आपको सीजन 2 देखने को मिला है। तो दोस्तों मेकर्स ने ये हिंट दिया है कि सीजन 3 आपको 2024 या 2025 में देखने को मिल जाएगा। वही दोस्तों जैसा कि सीजन 3 आपको 2024 में देखने को मिलेगा, तो दोस्तों सीजन 3 आपको हिंदी डब्ड 2025 में देखने को मिल जाएगा। तो ये थी छोटी सी अपडेट सीजन 3 से रिगार्डिंग। दोस्तों इन फ्यूचर कोई भी नई अपडेट आएगी सीजन 3 से रिगार्डिंग, तो दोस्तों आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वही दोस्तों वीडियो कैसे लगी, जानकारी कैसे लगी, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ऐसी मूवीज और वेब सीरीज के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।